नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा एक नया टेंडर फिर से जारी किया गया है। फिर से जारी किया गया मतलब आप इस बात को तो समझ गए होंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड हर महीने में एक टेंडर लेके आता है और वो टेंडर 20-20 महीने तक फाइनल नहीं होते। हो भी क्यों ना, इनके साथ सीन ऐसा है कि पहली बात तो इतने ये प्रोटोकॉल्स लगा देते हैं, इतने नियम कानून लगा देते हैं कि कोई कंपनी इनके साथ हाथ डालना चाह नहीं रही है। उसके बाद कोई कंपनी हाथ भी डालना चाह रही है तो उसके जो बर्ताव है वो इनका बहुत गलत होता है। अभी फिलहाल जो नोटिस है वो कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए और प्रोग्रामर ग्रेड टू के लिए आई हुई है। लगभग 850 से ज़्यादा पद इन दोनों वैकेंसीज के लिए प्रस्तावित हैं। इनके साथ साथ आपकी UPSI ASI की भी वैकेंसी प्रस्तावित है। साथ में ही आपके उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लगभग 62,000 से ज़्यादा वैकेंसी प्रस्तावित हैं और ये सब कहीं ना कहीं टेंडर के ही चक्कर में रुके पड़े हैं। एक और वैकेंसी रेडियो ऑपरेटर की आई हुई थी, हेड ऑपरेटर की, वो भी टेंडर के चलते अभी तक लगभग 2 साल हो गए, 1.5 साल, अभी वो एग्ज़ाम का पता नहीं लग रहा है। फॉर्म बच्चे भर भी दिए हैं और ये अभी बोल सकते हो कि सबसे जो सुस्त बोर्ड बन गया है वो कौन सा बन गया, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड बन गया है। हालांकि इनमें अच्छी बात ये है कि वेबसाइट पे एक एक चीज़ें अपडेट देते रहते हैं, काम भले नहीं होता बट ये अपडेट देते रहते हैं इस बात का कि हम ये काम कर रहे हैं। एक जो प्रोकॉस्टिनेशन का तरीका होता है कि काम को टालने वाला, वो होता रहता है। हालांकि टेंडर में क्या है, मेन जो जरूरी बात है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ कि इसमें कहा क्या गया है। टेंडर में, टेंडर में दो तीन चीज़ें समझने वाली बात है और वो समझने वाली बात यह है कि पहली बात तो ये, कई बार टेंडर निकालते हैं कहते हैं कि नहीं हमें हाइब्रिड मोड में चाहिए। अभी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल वाली बात आई थी और SI वाली बात आई थी, उसमें इन्होंने बोला कि रेडियो ऑपरेटर का आया था, बोला कि हमें क्या करना है, हाइब्रिड मोड में पेपर करवाना है। मतलब कि क्वेश्चन आपका किस पे चलना चाहिए, कंप्यूटर पे होना चाहिए और बच्चा आंसर कहाँ पे देगा, OMR पे देगा। उसके बाद फिर उन्हें ऐसी कोई कंपनी मिली नहीं। अब ये क्या बोल रहे हैं कि भाई आप ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी करवा लो। आप यहाँ पे देखोगे तो बोर्ड द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस में प्रोग्रामर ग्रेड 2 एवं कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड 1 के पदों पर सीधी भर्ती की कार्यवाही है, तो जिसमें लगभग 1 लाख से लेकर 1.5 लाख अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं कि पूर्व एवं पश्चात किस परीक्षा संबंधी कार्यवाहियों ऑफलाइन / ऑनलाइन लिखित परीक्षा, अभिलेखों की समीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा करवाई जानी है। कहने का मतलब ये कि पहले ये बोलते हैं कि ऑफलाइन करवा लो, फिर बोलते हैं कि ऑनलाइन करवा लो, फिर बोलते हैं नहीं नहीं हाइब्रिड करवा लो, फिर बोलते हैं अच्छा भैया तुम करवा लो, चाहे ऑफलाइन करवा लो चाहे ऑनलाइन करवा लो, ये सीन है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये जो पेपर होगा ये पेपर ऑनलाइन मोड में होगा। प्रोग्रामर जो अभी किस में होगा तो ये कन्फर्म नहीं है एग्जैक्टली, बट इन्होंने जो ये टेंडर निकाला है, ये टेंडर निकाला है ऑनलाइन मोड के लिए। इस बात की पुष्टि हम लोग इस सेक्शन से कर सकते हैं, कंडक्ट ऑफ ऑनलाइन CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा एग्जामिनेशन, और उसके बाद जो बच्चे मेरिट बेस पे होंगे उनका कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट भी होगा। ये कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामर ग्रेड 2 के लिए वैकेंसीज की बात की गई है। साथ में ही इस बोर्ड से और भी बहुत सारी वैकेंसीज प्रचलित हैं जो कराई जानी है। अभी उनका किसी का भी फॉर्म ही नहीं आया है, किसी का भी एग्जाम डेट नहीं आई है। हालांकि हम लोग को भी इंतजार रहेगा कि इतना जल्दी आ सकता है, बट एक बात समझिएगा, जितना समय इनको वेट कराना था उतना लगभग करा लिए हैं। ये थोड़ा समय आपको और लेना होगा उसके बाद, क्योंकि 2024 चुनावी वर्ष है और इसी के दरमियान जब ये कराएंगे तो बैक टू बैक बहुत कराएंगे। सब कुछ अंदर की इनकी पॉलिसी होती है, अंदर की पॉलिटिक्स होती है और उसके अकॉर्डिंग चलेगा। बट आप लोग अपने हिसाब से तैयार रहना, पढ़ाई करते रहना। देखिए, पढ़ाई जितना समय बीतता जाएगा कंपटीशन लेवल उतना बढ़ता जाएगा। आपने अभी हाल में देखा UPSI ASI का कट ऑफ कितना हाई गया था, उसका कारण ये नहीं था कि पेपर क्या था, उसका कारण ये था कि भाई आप 2-3 साल में जब पेपर कराओगे, 3-4 साल में, तो बच्चा तो लगातार पढ़ता ही आ रहा है ना। और जितने बच्चों को सिलेक्शन ले रहा है, हम कह रहे हैं कि जहाँ पे 8-10 लाख बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसमें 10-20 हज़ार बच्चे सीरियस नहीं होंगे क्या, तो 10-20 हज़ार बच्चे सीरियस होते हैं और वही कट ऑफ को हाई कर देते हैं। तो आपको भी उस 10-20 हज़ार में शामिल होना है, आपको वो बाकी की भीड़ में शामिल नहीं होना है। इस कारण से अपनी तैयारी जारी रखो। बाकी एग्जाम तो ये कंफर्म है, एग्जाम होगा, ये कंफर्म है कि इसकी वैकेंसी आएगी, अच्छे खासे पद पे आएंगे, तो तब आप वंचित ना रह जाओ, तब पछताने को ना रह जाए। उम्मीद है सेशन से आपके जो मन में हुआ पूरा होगा वो निकल जाएगा। बाकी इन सभी के कोर्सेस परीक्षा प्लस ऐप पे चल रहे हैं, आप चाहो तो उनसे जुड़ सकते हो। फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो सेशन को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। धन्यवाद सभी का।